नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अब इस तस्वीर को देखिए, हाथ में बंदूक लिए शख्स कैमरे में कैद हुआ। इस दबंग के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसको किसी का डर नहीं है और घर की छत पर चढ़कर बंदूक लहरा रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और न्याय की गुहार के लिए कप्तान साहब की शरण लेनी पड़ी। पीड़ित का आरोप है कि कई बार तहरीर देने के बाद भी प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बवाल बढ़ जाने के बावजूद हमें न्याय की गुहार के लिए भटकना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद प्रशासन की नींद कब खुलती है और पीड़ित को न्याय कब मिलता है। हमको जो है बहुत प्रताड़ित किया गया। जो है सुनील कुमार विश्वकर्मा जो है बहुत दबंग किस्म का आदमी है और हमको बार बार, मैं दसों बार प्रार्थना पत्र दिया थाने में और जो है एसडीएम साहब के यहाँ, और कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। मेरे बच्चे रास्ते में ईटा उठा था, वही हटा उठा रहे थे। इसके बाद जो है रास्ते को लेकर झगड़ा कर शुरू कर दिया सुबह, और झगड़ा में जो है बंदूक तान के मारने के लिए निकला। इसके बाद जब गांव वाले जुटे, बच बचाव में छत पर चढ़ गया और छत पर चढ़ने के बाद फायरिंग जो है करना शुरू कर दिया। 3 फायरिंग किया था अपने असलाहे से, जो है असलाहा लहरा लहरा करके बंदूक तान रहा था। गांव वालों को ऊपर भी बंदूक तान रहा था। गांव वाले बेचारे इधर उधर भाग रहे थे बचाव करने के लिए, हटो बचो कर रहे थे कि भाग जाओ, बारजा के नीचे भाग जाओ नहीं तो मार देगा। और जो है इतना कर जब पूरे गांव वाले घेरे रहे, जब तक पुलिस नहीं आई तब तक उसको घेर के रखे थे। जब पुलिस आ गई 100 नंबर, इसके बाद उसको पकड़ के ले गई, हमको भी साथ में ले गई। उसके बाद जो है फिर चालान करके हमको छोड़ दिया गया। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।